नमस्कार, AMI स्टूडेंट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, डबल इंटीग्रल के इस लेक्चर में डबल इंटीग्रल की हेल्प से हम एरिया को कैसे फाइंड करेंगे, आज इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं टू फाइंड एरिया बिटवीन टू कर्व यूजिंग डबल इंटीग्रल्स। और इसमें दो तरह के इंटीग्रल फाइंड करने के मेथड होंगे, एक कार्टेशियन फॉर्म का फार्मूला और एक पोलर फॉर्म का फार्मूला। तो आइए हम इसको सीखते हैं। क्लास 12 में हम सिंगल इंटीग्रल से एरिया कैसे फाइंड करते थे, वाई डी एक्स या एक्स डी वाई करके हम फाइंड आउट करते थे, बट यहाँ पे हम डबल इंटीग्रल का यूज करके एरिया को फाइंड करना सीखने वाले हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो जरूरत क्या होगी, हमें दो कर्व की जरूरत होगी और उसकी बाउंड्री की जरूरत होगी। तो हम पहले क्या करेंगे, दो कर्व कंसिडर करेंगे और दो बाउंड्री कंसिडर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट, वन बाई वन इस क्वेश्चन को करने का हम प्रयास यहाँ पर करने के लिए फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं बेसिक फंडामेंटल। तो हम सबसे पहले हमें कर्व की जरूरत होगी, तो हम दो कर्व कंसिडर करेंगे। मान लेते हैं लेट द एरिया इनक्लोज्ड बाय टू कर्व वाई वन इज इक्वल टू एफ वन एक्स एंड वाई टू इज इक्वल टू एफ टू एक्स, ठीक है, एफ टू एक्स। और बाउंड्री कंडीशन है हमारे पास एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी। जो ऑर्डिनेट की बात करेंगे तो ऑर्डिनेट की बात ये होगी कि जो बाउंड्री कंडीशन हमारे पास है ये होगा कि हमने मान लिया कि लेट एरिया इनक्लोज बाय टू कर्व वाई वन इक्वल टू एफ वन एक्स एंड वाई टू इक्वल टू एफ टू एक्स। ये दो कर्व हमारे पास है और उनके लिए बाउंड्री कंडीशन हमने सेट कर दी। तो अब इसको एक फिगर के थ्रू दिखाने का प्रयास करेंगे। तो फिगर कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, सिंपल, टू डायमेंशनल है। तो टू डायमेंशनल देखिए, सिंपल, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, दो कर्व है तो पहले हम दो कर्व को ड्रॉ करेंगे, टू डायमेंशनल है। तो टू डायमेंशनल में हमको सिंपल सबसे पहले क्या करना है, कर्व को ड्रॉ करना है। तो देखिए दो वाई वन जो दो कर्व हमने कंसिडर किया है, सिंपल फिगर आपको ड्रॉ करना है और उसके अकॉर्डिंग सारा वर्क हमको करना है। एक फिगर हम इस तरह से, ये हमारा एक कर्व हो जाएगा और एक यहाँ पर ये इस तरह से कर्व हमने ये कंसिडर कर लिया, सिंपल, ठीक। ये पहला वाला कर्व है जो वाई वन इज इक्वल टू आप कह सकते हो कि एफ वन एक्स है और दूसरा वर्क कर्व है वाई टू इक्वल टू एफ ऑफ टू एक्स है, ठीक। और इसके लिए बाउंड्री कंडीशन हमारे पास ऑलरेडी डिसाइड है स्टूडेंट, ये बाउंड्री कंडीशन यहाँ से यहाँ तक और इसमें बाउंड्री कंडीशन यहाँ से यहाँ तक। जैसे बाउंड्री कंडीशन है x इक्वल टू ए है और यहाँ पे x इक्वल टू बी है, और ये मान लीजिए जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए बी और सी और डी, और ये ओ है आपका, दिस इज द x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। इतने नंबर ऑफ पॉइंट्स पर हमको डिस्कस करना है। एक्चुअल में जो बाउंड्री कंडीशन डिफाइन है, तो अब हमको जो एरिया फाइंड करना है वो जो ए बी सी डी की एरिया फाइंड करनी है, ठीक है। टोटल ए बी सी डी का जो एरिया फाइंड करना है तो उस पर हम कैसे फोकस आउट करेंगे, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही हमारे पास स्टूडेंट। तो देखिए सबसे पहले हमको करना क्या है, इसमें चीज़ पॉइंट को समझना है, एक छोटी सी स्ट्रिप कंसिडर करनी है और उसके एक छोटे से पार्ट की एरिया हमको फाइंड करनी है। हमको क्या करना है, एक छोटे से पार्ट की एरिया फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद टोटल स्ट्रिप की एरिया फाइंड करेंगे और फिर जो टोटल पार्ट है उसके एरिया फाइंड करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाउंड्री कंडीशन जो दिया हुआ है, उस बाउंड्री कंडीशन को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि एरिया को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आइए समझते हैं। देखिए छोटे से पार्ट को, इसको हमको क्या करना है, एक इसको इस तरह से डिवाइड कर लेना है, ये फाइंड आउट हो जाएगा इस तरह से। ये मान लीजिए हमने ये इस तरह से एक स्ट्रिप कंसिडर कर ली, इक्वली स्ट्रिप रहेगा, ध्यान रखिएगा ये क्या आपका है, स्ट्रिप है, एक छोटी सी स्ट्रिप कंसिडर की हमने। अब इसमें एक छोटा सा पार्ट हम कंसिडर कर रहे हैं, ये मान लीजिए इतना पार्ट हमने कंसिडर कर लिया, ठीक। इसको माना P, ये Q, R, इसके एरिया को हमको फाइंड करना, पहले एक छोटे से स्ट्रिप की एरिया फाइंड करेंगे फिर टोटल एरिया फाइंड करेंगे और दिखाएंगे। तो ये जो एरिया, इस वाला पार्ट है, इसको हम मान लेते हैं कि इसकी जो विड्थ है वो क्या है, डेल्टा एक्स है और ये जो है डेल्टा वाई है, ठीक। हमने एक एरिया कंसिडर किया जिसकी विड्थ को हमने कंसिडर कर लिया। अब देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, जो पी क्यू है विड्थ स्मॉल है, बहुत छोटा सा है, तो उसकी विड्थ को जो हमने चौड़ाई है
उसको मान लीजिए कि डेल्टा एक्स है, और जो मतलब ऊंचाई है इसकी या लंबाई आप कह सकते हो, हमने डेल्टा वाई कर लिया है, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई। अब हमको इसकी एरिया को फाइंड करना है, तो पी क्यू आर एस एक छोटा सा है, मतलब एक ऐसा होगा, एक रेक्टेंगल होगा, एक आयत की तरह इसका व्यवहार होगा स्टूडेंट। तो अगर आयत की तरह व्यवहार होगा तो अब हम इस पर क्या करेंगे, सिंपल सा इस छोटे से पार्ट के एरिया को फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल की तरह होगा, दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा, ये छोटा सा पार्ट हमने कंसिडर कर लिया कि एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल होगा वो क्या होगा, पी क्यू आर एस। क्लियर हुआ? डेल्टा एक्स हमने क्या कंसिडर किया, जो पी क्यू है वो स्मॉलेस्ट बिट, बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, उसको डेल्टा एक्स कंसिडर कर लिया, और क्यू आर जो है वो डेल्टा वाई है, जो कि छोटी क्वांटिटी ही है, और एक छोटा सा पार्ट अगर आप कंसिडर करोगे तो वो रेक्टेंगल आयत की तरह व्यवहार करेगा। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, एरिया टोटल स्ट्रिप की निकालनी है, जो वर्टिकल स्ट्रिप है उसकी एरिया फाइंड करनी है। तो वर्टिकल स्ट्रिप में अब एक पॉइंट आपको सबसे पहले समझना है कि अगर हम अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस रखेंगे तो जो डेल्टा एक्स है वो तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन डेल्टा वाई की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। डेल्टा जो वाई की वैल्यू होगी वो कहां से कहां होगी, वाई वन से लेकर वाई टू तक जाएगी। यहां पर जो वर्कआउट है इस वाले में देखिए, यहां पर ये है वाई वन और यहां पर है क्या क्या वाई टू, लेकिन इसके अकॉर्डिंग इस टोटल वर्टिकल स्ट्रिप के लिए, फॉर वर्टिकल स्ट्रिप देखिए, डेल्टा एक्स जो होगा वो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक, डेल्टा एक्स कांस्टेंट होगा, और जो डेल्टा वाई है, डेल्टा वाई की आप लिमिट कह सकते हो, इस डेल्टा वाई जो चेंज होगा कहां से, दिस द वाई वन टू, ठीक है, ये चेंज होगा। तो अब इसको हम समेशन के फॉर्म में लिखेंगे, और डेल्टा एक्स जो होगा कहां तक जाएगा, इस टेंडिंग टू जीरो, अगर इसको हम कंप्रेस करेंगे तो टेंडिंग टू जीरो, कांस्टेंट है, टेंडिंग टू जीरो, इस पार्ट वाले को यहां पर हम रिमूव कर देंगे। तो देखिए, दिस इज द एरिया ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप, वर्टिकल स्ट्रिप, ठीक, वर्टिकल स्ट्रिप मतलब यहां से ये पार्ट और यहां वाला ये पार्ट जो करके एरिया ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप। तो अब देखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स जो होगा हमारे पास, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, ठीक। अब देखो स्टूडेंट, समेशन कौन सा चेंज हो रहा है, वाई वन से लेकर के यहां पर वाई टू, और ये जो एरिया है हमारे का, ये वाला एरिया पी क्यू आर एस, दिस इज द डेल्टा एक्स इंटू, इतना पार्ट हम यहां पे कंसिडर कर लिए। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए वाई वन से वाई टू तक चले गए क्योंकि एक छोटा एरिया था, अब हमको टोटल स्ट्रिप की एरिया फाइंड करनी है, तो इस मेथड से फाइंड आउट हो गया, बट एक स्टेप की होगी। अब इसको हमको इंटीग्रेशन इंटीग्रल के फॉर्म में लिखना है, तो डेल्टा एक्स तो कांस्टेंट, डेल्टा एक्स कांस्टेंट है ना, क्योंकि डेल्टा एक्स का बिहेवियर कांस्टेंट की तरह है, तो डेल्टा एक्स तो बाहर हो जाएगा, बाकी के साथ हम इंटीग्रेशन को अप्लाई कर देंगे। तो देखिए, इसको लिखने का तरीका सम है, समेशन मतलब इंटीग्रेशन में चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी स्टूडेंट, ये डेल्टा एक्स आउटसाइड हियर वाई वन से लेकर के वाई टू, और सीयर जो आपका ये है जो डेल्टा वाई है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस एरिया वर्टिकल स्ट्रिप की फाइंड आउट होगी, एक छोटी सी जो स्ट्रिप हमने, ये फर्स्ट वाला मान लीजिए स्ट्रिप है, इसके हमने एरिया को फाइंड कर लिया। अब इसी को अगर हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे, अगर हम कहें कि इसको हम इस तरह से समान इक्वल छोटे छोटे पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड कर लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो उस टाइम पे एरिया क्या होगी। तो अब टोटल एरिया फाइंड करनी है आपको, तो टोटल एरिया के लिए जो फार्मूला है अब फाइंड करना है, तो एरिया जो एरिया छोटे छोटे पार्ट में, तो एरिया आप ऑल स्ट्रिप कह सकते हो, एरिया आप जो बाउंडेड रीजन दिया है उसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखें सिंपल, यहां पे हम लिखेंगे दिस द एडिंग ऑल स्ट्रिप, ठीक है,
adding all strip from x equal to a to b, ठीक a to b। तो देखिए अब a to b मतलब यहां पर x equal to a है और यहां पर x equal to क्या है b है, यहां से यहां तक टोटल एरिया छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, तो अब हमारा यहां फिर भी जो बेसिक होगा a to b जाएंगे, तो मतलब एरिया बिटवीन कर्व्स, इसको हम कह सकते हैं एरिया बिटवीन बिटवीन कर्व, एरिया बिटवीन कर्व इज इक्वल टू इज द बेसिक फंडामेंटल, बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट आउट को समझना। देखिए डेल्टा एक्स तो हमारा फिर से वैसा ही रहेगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, बट जो समीशन लिखेंगे अब यहां पे हो जाएगा एक्स इक्वल टू ए से लेकर बी तक डेल्टा एक्स इंटीग्रेशन, यहां पर आपका क्या हो जाएगा वाई वन से लेकर के वाई ऑफ टू एंड डी वाई, ये वाला जो पार्ट है ये एक छोटी सी वर्टिकल स्ट्रिप की थी। अब टोटल जब छोटे छोटे पार्ट में स्ट्रिप को डिवाइड किया हुआ है तो इस पार्ट की जो एरिया होगी वो कैसे डिफाइन होगी, इस तरह से डिफाइन हो जाएगी, ये ध्यान आपको रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट आउट को भी मेजर करके रखना है। एक छोटे से स्ट्रिप की फाइन की टोटल, फिर उसको छोटे 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 पार्ट में डिवाइड किया तो टोटल एरिया कैसे फाइंड आउट होगी, इस तरह से होगी। अब एक्स टेंडिंग ए टू बी है तो अब ए टू बी समझ रहे हैं आप, तो ए टू बी में क्या हो जाएगा, इसको भी हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लेंगे। इंटीग्रेशन के फॉर्म में जैसे लिखेंगे देखिए यहां पे क्या आ जाएगा a टू b, ये जो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें dx में, इंटीग्रेशन यहां पे क्या है y1 से लेकर के y2 है और ये dy है, तो दैट इज द एरिया ऑफ आपका क्या हो जाएगा, ये सिंपल कार्टेशियन फॉर्म का एरिया, मतलब इसको इस तरह से लिख सकते हो आप a इक्वल टू b, यहां पर दिस इज द y1 टू y2 और ये इज dx एंड dy इज द बेसिक फार्मूला। ये हमने फार्मूला पे डिफाइन कर लिया कि एरिया हमारे पास क्या मिलेगी, समझ में आ गई बात, इंटीग्रेशन आप डबल इंटीग्रल जानते हो कैसे करना। अब देखिए यहां पे पोलर फॉर्म भी हमारे पास आता है, एरिया इन पोलर फॉर्म, एरिया इन पोलर फॉर्म स्टूडेंट्स, तो देखिए एरिया इन पोलर फॉर्म कुछ करना नहीं है, सिंपल आपको यहाँ पे एरिया इन पोलर फॉर्म में x इक्वल टू हम पुट करते हैं r cos थीटा, y इज इक्वल टू पुट करते हैं r sin थीटा, एंड dx dy इज इक्वल टू हम पुट करते हैं r d थीटा dr, ठीक। जब डबल इंटीग्रल वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था उस टाइम पे मैंने बताया था कि ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो r dx dy इक्वल टू क्या होगा r d थीटा dr, तो बस यहाँ पे अब चेंजेस हो जाएंगे आपको, तो नाउ एरिया is equal to here and here, ठीक है, दैट इज द इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे आपका मान लीजिए थीटा वन है, यहाँ पे थीटा टू हो जाएगा, यहाँ पे आर वन एंड आर टू एंड आर डी थीटा, थीटा वन थीटा टू, इन सब की वैल्यू जो हम अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करेंगे। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम्स है, इसके बेसिक फंडामेंटल को हम समझ पा रहे हैं कि एरिया को कैसे फाइंड करना है, तो एरिया का फार्मूला हमको समझ में आ गया। अब हम समझेंगे कि एरिया को फाइंड आउट कैसे करते हैं, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एरिया को हम फाइंड कैसे करेंगे। तो चलिए हमने फाइंड एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं, एरिया ऑफ सर्कल कैसे फाइंड करते हैं, बेसिक हम जानते हैं, तो फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, सिंपल क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन, फाइंड एरिया ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसकी एरिया आपको फाइंड करनी है। जनरली हम जानते हैं तो इसकी एरिया पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर का मतलब हो गया कि पाई ए स्क्वायर आना चाहिए, पाई ए स्क्वायर आना चाहिए, दैट इज द पॉइंट, क्लियर। अब सबसे पहले आपको करना क्या होता है स्टूडेंट, जब इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिए हों तो सबसे पहले जो कंसेप्ट दिया है उसके लिए हमको फिगर को फाइंड करना है और बाउंड्री कंडीशन को डिफाइन करना है, ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे वर्क कर पाएंगे। तो बाउंड्री कंडीशन एंड ड्रॉ द फिगर, आफ्टर देन नेक्स्ट वर्क। तो देखिए इसके लिए जो फिगर हमारे पास ड्रॉ होगा इस तरह से, ये यहां पर है आपके पास, और ये फिगर आप इस तरह से सर्कल बनेगा,
दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक, अब इसके लिए हमारा जो फिगर है क्वेश्चन का समझेंगे। ये फिगर हमारे पास क्या है, दिस इज द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, हम क्या करते हैं एक छोटी सी स्ट्रिप को कंसिडर करते हैं इस तरह से। ठीक, ओरिजिन है, यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, जीरो। ठीक, अब और यहाँ पर इस वाले पार्ट में y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। यहाँ पे इसकी रेडियस हमारे पास a है, मतलब यहाँ पे a जीरो हो जाएगा। ठीक, और दूसरा आपका यहाँ पे जीरो a हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। फिर आफ्टर जो नेक्स्ट कंसिडर है, अब हमको करना है क्या, बहुत ध्यान समझिए, एक छोटे से पार्ट की एरिया को फाइंड करेंगे हम। ये जो चार पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ये इस पार्ट की हम फाइंड कर लेंगे और क्या करेंगे, फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब टोटल एरिया जो होगी ओ ए बी की हम एरिया को फाइंड कर लेंगे और फिर फोर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। दैट इज द बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन, समझ में आ गई बात, पॉइंट आउट आपको। तो एरिया ऑफ जो इसको फाइंड करना है, तो एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, देखिए एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, दिस इज और फिर यहाँ पे डी एक्स डी वाई, डी एक्स डी वाई हो जाएगा। और बाउंड्री कंडीशंस हमको डिसाइड करना है, बाउंड्री कंडीशंस। तो जब तक बाउंड्री को डिसाइड नहीं करेंगे, इसको मान लीजिए रीजन आर है, ये टोटल आर रीजन में है, तो जो वाई की लिमिट्स है और एक्स की लिमिट, तो देखिए एक्स की जो लिमिट होगी स्टूडेंट जीरो से लेकर के कहाँ तक होगी, ए तक होगी। और वाई की जो लिमिट होगी, वाई की लिमिट होगी जीरो टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर, ये इतना पार्ट होगा। तो एरिया ऑफ सर्कल हम निकाल रहे हैं, क्योंकि इस छोटे से पार्ट का निकाल रहे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ गई बात, इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, फोर इंटू एरिया ऑफ ओ ए बी ओ। ठीक, तो वन टाइम स्टेटमेंट हम इसको सिंपल रखेंगे, एरिया फोर इंटू एरिया ऑफ ओ ए बी ओ। तो सिंपल सा वन टाइम एक फर्स्ट क्वाड्रेंट जो फर्स्ट पार्ट है उसका निकाल करके चार से मल्टीप्लाई लास्ट में आप कर दो, चाहे एट ए टाइम यहीं पे कर सकते हैं। तो जब बाउंड्री कंडीशन डिसाइड हो गई, तो आगे का वर्क करना बहुत ही आसान है, बट फार्मूले आपको रिमेंबर होने चाहिए, फार्मूलों पर ही सारा वर्क है स्टूडेंट। तो देखिए बेसिक, फोर इंटू डिफाइन द लिमिट्स एक्स इक्वल टू जीरो टू ए, हियर y इक्वल टू जीरो टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और dx चूंकि y के लिमिट में है, तो यहाँ पे dy आ जाएगा, ब्रैकेट ये ऐसे कर लिया और यहाँ पे dx आ गया। ठीक, अब आते हैं इज द बेसिक कंसेप्ट, तो फोर इंटू एक्स इक्वल टू जीरो टू ए, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, dy y आ जाएगा y, और दिस इज लिमिट जीरो टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट्स एंड dx। कुछ रहा नहीं, कैलकुलेट करना है और फार्मूले पुट करने, दिस इज फोर, ठीक है, जीरो टू ए, और दिस इज द ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब फार्मूला फोर इंटू इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फार्मूला है, इसको हमको लिखना है। देखिए एक्स बाई टू होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, प्लस फार्मूला चेक कर ले रहा हूँ, प्लस ए स्क्वायर बाई टू, एंड दिस इज द साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये फार्मूला हो गया इसका। और लिमिट हमारे पास है जीरो से लेकर के ए तक, ये फार्मूला रिमेंबर होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब सिर्फ आपको इसमें लिमिट को पुट कर देना है और कुछ नहीं करना है, लिमिट आप पुट कर दीजिए और कैलकुलेट द आंसर्स। तो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को पुट करेंगे स्टूडेंट, देखिए दिस इज फोर, ए जैसे पुट करोगे आप, तो देखिए यहाँ पे ए बाई टू आएगा और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बाई टू आ गया, यहाँ पे साइन इनवर्स ए अपॉन ए हो जाएगा माइनस, अब देखिए जीरो इसमें रखेंगे, यहाँ पर वाले पार्ट में तो जीरो आ जाएगा, यहाँ भी रख देंगे साइन इनवर्स जीरो, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, कहानी खत्म। जैसे तो फोर ये वाला पार्ट जीरो, प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स वन, तो साइन इनवर्स और साइन पाई बाई टू आ जाएगा, दैट इज द इम्पोर्टेंट। तो फोर इंटू ए स्क्वायर बाई टू इंटू पाई बाई टू, ये यहाँ से कैंसिल, सो दैट इज द पाई ऑफ ए स्क्वायर। तो देखिए एरिया फाइंड आउट हो गया, जो हमने ऊपर यहाँ पे डायरेक्ट लिखा था,
दैट इज अ पाई ए स्क्वायर, यहाँ से ये फाइंड आउट हो गया। ठीक, तो इज अ बेसिक कंसेप्ट वाले छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनको कि हम डिफाइन करेंगे। ठीक, आइए एक और लेते हैं, एरिया ऑफ इलिप्स, एरिया ऑफ इलिप्स फाइंड करते हैं। फाइंड एरिया ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ये एरिया आपको फाइंड करना है। ठीक, एरिया ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, सिंपल। तो इसके बारे में आप सभी जानते हो, इसके फिगर के बारे में आप जानते हैं। तो सबसे पहले तो मेन फिगर है और बाउंड्री कंडीशन को डिफाइन करना। ओ एक्स वाई, ठीक है, एंड इट इज एक्स डैश, और फिर इलिप्स के बारे में आपको सबको पता है कि इलिप्स कैसा होता है। ठीक, मान लीजिए इधर है, यहाँ पे है आपके पास, और इस तरह से डिफाइन हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक बना सकते हैं, और नहीं बन पा रहा है सही से तो हम बनाते हैं अभी। सिंपल फिगर इज इम्पॉर्टेंट है, फिगर सही से बनना चाहिए जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। इस तरह से फिगर, चलिए फिगर हमारे पास ड्रा हो जाएगा। तो अब जैसे इस तरह का फिगर हमने यहाँ पे ड्रा कर लिया, तो इलिप्स के बारे में करते हैं। ये मेजर एक्सिस है, मतलब यहाँ पे जो इसका कोऑर्डिनेट होता है ए जीरो होता है, यहाँ पे माइनस ए जीरो होता है। इस कोऑर्डिनेट में यहाँ करेंगे तो जीरो बी होता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है आपका सिंपल जीरो माइनस बी। ठीक, सेम पार्ट को वर्क करना है, एक स्ट्रिप कंसिडर करनी है सिंपल इस तरह से। यहाँ पे y की वैल्यू जीरो होती है, बट यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी इसको डिफाइन करना होगा। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन है। इसको सॉल्व करके y की वैल्यू को हम निकालेंगे। तो सिंपल जो गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन है, इसको उधर लेके जाइए, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। टेक एलसीएम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इधर लेके जाएंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और दिस इज द ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे निकालेंगे तो बी बाई ए हो जाएगा, और अंडर रूट में आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई, यहाँ से जो डिफाइन हुआ वाई की रेंज, तो वाई की लिमिट्स यहाँ पे हमें मिल गई वाई इज इक्वल टू बी बाई ए और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज तो रेंज ऑफ वाई जो हमने डिफाइन कर लिया, कि जो वाई लिमिट जो हमने डिसाइड किया स्टूडेंट, लिमिट मेन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट इज द लिमिट। तो लिमिट हमने डिफाइन कर लिया कि लिमिट जो है एक्स की लिमिट ले रहे हैं तो जीरो टू ए ले लिया, और वाई के जो लिमिट है जीरो टू बी बाई ए और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट्स। दैट पॉइंट इज क्लियर। अब हमको एरिया चाहिए, हमको एरिया किसकी चाहिए, इस एलिप्स की एरिया चाहिए। तो ओ ए बी, इस छोटे से पार्ट के एरिया को फाइंड करेंगे, इस वाले पार्ट के एरिया को हम फाइंड करेंगे, ये वाला पार्ट, इस पार्ट के एरिया को फाइंड करेंगे और फोर से मल्टीप्लाई। तो एरिया ऑफ एलिप्स यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे, सिंपल। नाउ दिस इज द एरिया ऑफ एन एलिप्स, 4 into area of OABO, simple, that is the important points। अब कुछ रहा नहीं इस क्वेश्चन में, बहुत आसानी से आप प्रीवियस जैसे हमने किया था तो उस तरह से कर सकते हो। 4 into 0 to A, here 0 to B upon A, और A square minus X square under root dy dx dy, simple, this is important। 4 इंटू एरिया आप यहाँ पे डी एक्स डी वाई, और यहाँ बाउंड्री रीजन आर। तो अब चूंकि ये एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि ये वाई की वैल्यूज है, तो सिंपल आपका 4 0 टू ए, और हियर ये वाई इक्वल टू 0 टू सिंपल बी अपॉन ए
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है अंडर रूट, तो यहाँ पे डी वाई आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज और आउटसाइड में डी एक्स आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, ये इंटीग्रेशंस के रूल्स। तो अब यहाँ पे फोर जीरो टू ए, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपल ये आएगा बी अपॉन ए और दिस इज द ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स। ठीक, इतना पार्ट आपका मिलना है क्योंकि वाई आएगा, वाई के साथ अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए बी वाई यहाँ पे आ जाएगा, इस वहाँ पे बाउंड्री कंडीशन इस तरह से डिफाइन होगी और ये आपका वर्कआउट हो गया। अब आपको क्या करना है, सिंपल इसको यहाँ पे लिखाना है, तो फोर बी अपॉन ए हो जाएगा और बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी जीरो टू ए और फिर दिस इज द ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट और डी एक्स। अब ये फार्मूला आप जानते हैं ऑलरेडी, दिस इज द फोर बी अपॉन ए ब्रैकेट एक्स बाई टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस ए स्क्वायर बाई टू और नाउ दिस इज साइन इनवर्स एक्स बाई ए और लिमिट जीरो टू ए, ये डिफाइन हो गया आपका। बस आपको अब यहाँ पे क्या कुछ करना नहीं है, यहाँ पे सिंपल इसकी वैल्यूज को पुट करना है। तो फोर बी बाई ए अपर लिमिट ए बाई टू और इस इज द ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ठीक प्लस ए स्क्वायर बाई टू और फिर यहाँ पर साइन इनवर्स ए अपॉन ए माइनस। अब देखिए लोअर लिमिट जैसे करेंगे स्टूडेंट, लोअर लिमिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। जैसे ए जीरो पुट करेंगे तो ये टोटल जीरो हो जाएगा और यहाँ पे साइन इनवर्स जीरो आएगा तो जीरो आ जाएगा, तो जीरो माइनस जीरो आ जाएगा। ये वाला पार्ट जीरो हो गया, यहाँ से हम इसको वर्क करेंगे तो फोर बी अपॉन ए यहाँ पे जीरो प्लस ए स्क्वायर बाई टू यहाँ हो गया साइन इनवर्स और साइन वन आएगा तो इट मीन्स पाई बाई टू और साइन इनवर्स साइन थीटा होता है। फोर बी बाई ए इंटू ए स्क्वायर बाई टू इंटू पाई बाई टू, ठीक, टू से टू कैन फोर कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो यह आ जाएगा आपका पाई ए बी। तो एरिया ऑफ एन एलिप्स, अगर एलिप्स की एरिया हमको फाइंड करनी है तो पाई ए बी होता है। ठीक है, ये जनरली आप याद भी रख सकते हो कि छोटे छोटे पार्ट है ना, तो छोटे छोटे पार्ट्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। ओके, तो इसी तरह से हम अब एलटॉप बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे, उनके बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट को समझते हुए क्वेश्चन का प्रयास करेंगे। जो ऊपर क्वेश्चन लिखा है इसको आप पोलर फॉर्म का भी यूज करके सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट पोलर फॉर्म में थोड़ा सा डिफरेंट लॉजिक यूज करना पड़ेगा, उसको थीटा फाइंड करने पड़ेंगे और वर्कआउट करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम स्टूडेंट इन सभी क्वेश्चन को करने में सफल हो पाएंगे। चलिए, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।